वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ यहां बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 73 कोरोना के पॉजिटिव मरीज प्रदेश भर से यहां पर सामने आए। लगातार जो है ग्राफ कोरोना संक्रमण का प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 73 मरीज, राजधानी जयपुर से 23, कोटा में 19, जोधपुर में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, अजमेर में भी 11, टोंक में 3 और धौलपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। सीकर से भी कोरोना का पॉजिटिव यहां पर सामने आया है। और इसके बाद भी राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,335 हो गई है। कोरोना के चलते कोटा में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई और राजस्थान में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 51 हो गया है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 73 मरीज पॉजिटिव कोरोना से सामने आए हैं। 2,335 हो गया है आंकड़ा राजस्थान में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी लोकेश शोला इस वक्त मेरे साथ में। लोकेश, फिलहाल क्या स्थिति है राजस्थान में? लगातार ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, 2 बजे की रिपोर्ट में 73 नए कोरोना के रोगी सामने आए, चुनौतियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जयती, 2 बजे की जो रिपोर्ट आई है उसमें जयपुर में 6 और जोधपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। और अब मैं बात करें तो आज 2 बजे की रिपोर्ट में 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए और सुबह से अब तक की बात करें 2 बजे तक 73 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और उनको मिलाकर जो 2,335 कोरोना पॉजिटिव अब तक प्रदेश में आ चुके हैं। बात करें तो सबसे अधिक जयपुर में 23 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब तक जो 856 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं एक राहत भरी खबर यह है कि जयपुर में अब तक जो बात करें तो 273 को जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, जिनमें से 249 को डिस्चार्ज कर दिया गया, जो एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूंगा, जयपुर में 90 साल का जो बुजुर्ग था वो भी कोरोना से ठीक हो चुका है। सीएसकेएम निवासी जो बुजुर्ग 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मिला था उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है और उसको आज डिस्चार्ज कर दिया गया, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ ही साथ बात करें तो प्रदेश भर में अब तक कोरोना से जो ठीक हुए मरीजों की बात करें तो अब तक तकरीबन 800 के करीब कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जो लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसमें ठीक होने वालों की संख्या भी 1/3 है, जो एक अच्छी खबर है प्रदेश के लिए। बात करें तो जोधपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी लेकिन 81 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ साथ जो बीकानेर कोरोना मुक्त जो शहर है वो हो चुका है, जयपुर बीकानेर जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर 37 कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनमें से 1 की मौत हुई थी और बाकी 36 कोरोना पॉजिटिव जो नेगेटिव होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहाँ पर अब कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है, वो एक अच्छी खबर है। लगातार जो कोटा की बात करें तो कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ पर 184 कोरोना पॉजिटिव अब तक आज सामने आ चुके हैं। आज 14 कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर मिले हैं, साथ ही साथ 1 मौत भी हुई है। वहीं जो कोटा और जोधपुर में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, जो एक वहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो लगातार मौतों का बढ़ता जा रहा है। बात करें नागौर की, नागौर में बीते दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे, वहाँ पर भी तेजी से इन दिनों कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पर जो प्रशासन है सतर्क नजर आ रहा है। साथ साथ बात करें जयपुर हॉटस्पॉट सबसे जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में हालांकि हल्की गिरावट नजर आ रही है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। बात करें 14 अप्रैल से यानी कि लॉकडाउन टू के अंतर्गत जो जयपुर सहित प्रदेश भर में जो ग्राफ जो जिस तरह से पहले लॉकडाउन के दौरान बढ़ता नजर आता वो 14 अप्रैल के बाद में गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते ही जो 2,335 कोरोना पॉजिटिव संख्या अब तक पहुंची है। हालांकि अगर उसी तरह से पहले लॉकडाउन के दौरान जो ग्राफ बढ़ता जा रहा था अगर वो बढ़ता रहता तो अब तक तकरीबन 4,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने होते, जो एक गंभीर स्थिति बनती हुई नजर आ सकती थी। साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बात करें तो चिकित्सा सुविधाओं में भी लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश में
कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसी के तहत जो जांच कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब प्रदेश की करीबन 6000 जो पर डे जो जांच कैपेसिटी है वो हो चुकी है। जिस तरह से चिकित्सा मंत्री ने बताया था कि एक आगामी हफ्ते के दौरान इनकी एक हफ्ते के अंदर एक जाँच कैपेसिटी 10,000 पहुँचा दी जाएगी और उसी का यह परिणाम है कि अब तक करीब 88,000 कोरोना पॉजिटिव की जाँच हो चुकी है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। प्रदेश में इनके राजस्थान में ही देश में सबसे अधिक राजस्थान ऐसा जो राज्य है जहां पर सबसे अधिक जांच हुई है, जो एक मुख्य प्रधानमंत्री ने इसको लेकर सराहना की थी। साथ ही साथ जिस तरह के जो तमाम तैयारियां की गई थी कोरोना के बाद में लॉकडाउन के बाद में राजस्थान सरकार की ओर से, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो जानकारी दी थी उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सराहा था। उनके अन्य राज्य को भी अपील की थी कि वो भी राजस्थान से कुछ सीखे और उसी तरह से कोई अच्छे कदम उठाए। बात करें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभाग के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। और उसी में जयपुर में तकरीबन 19,000 के करीब लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जो एक सबसे अधिक है। साथ ही साथ बात करें तो जोधपुर में अब तक करीब 16,000 लोगों की कोरोना के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 389 जो कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। लेकिन जो जोधपुर में मौतों का ग्राफ है वो उतना नजर नहीं आ रहा जितना जयपुर में। जयपुर में अब तक जो मौतों का ग्राफ है वो 27 हो चुका है, यानी कि प्रदेश में कुल 51 मौतें हुई हैं, उनमें से 27 जो मौतें हैं जो जयपुर में हुई है, जो एक जो गंभीर स्थिति जयपुर में मौतों को लेकर कही जा सकती है। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद लोकेश। और फिलहाल रुक रहे हैं।